सो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ब्लैक कैट कंपनी की तरफ से, जो बाइक में होल्डर एंड चार्जर होता है, बहुत सारा चीज़। सो एज यू कैन सी मैंने इसको क्यों परचेज़ किया। हालांकि ये मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, 500, 600, 700 रुपीज़ में। चलिए इसको फटाफट अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सो आपके साथ, सॉरी छूट गए। सो आपके साथ एक मतलब ऐसा होल्डर मिलेगा, और नेक्स्ट इसके साथ एक रबर मिलता है, जो कि काफ़ी सही चीज़ दिया हुआ है। इसका यूज़ मैं वीडियो को आगे बताने वाला हूँ। और इसके साथ एक आपको इंटीग्रेटेड जो डाटा केबल होता है, हालांकि ये डाटा केबल नहीं, ओनली चार्जिंग केबल है। हालांकि मैंने इसको टेस्ट नहीं किया है, अगर डाटा केबल निकला तो मज़ा आ जाएगा। सो नेक्स्ट जो आपको मेन चीज़ मिलता है, दिस इज़ द चार्जर कम होल्डर। सो इसमें वायरिंग दिया हुआ है, इसको मैं बताने वाला हूँ। और नेक्स्ट जो आपको एक टेप मिलता है, हालांकि इसका यूज़ भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बताने वाला हूँ। और आपको एक यूज़र मैनुअल मिलता है। सो बॉक्स का आपको कुछ नहीं मिलता, सो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। सो इसका सबसे एडवांटेज ये है, आप 7 इंच का जो टैबलेट आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे इंसिडेंट होता है। और इसका रबर कोटिंग भी बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ ऐसा एक मतलब सपोर्ट करने के लिए आता है। सो मैं आपको एक फ़ोन ले आता हूँ, कैसे यूज़ करते हैं दिखाता हूँ। पहले मैं इंस्टॉल करना दिखाता हूँ। सो आपको पहले ये जो चीज़ है आपको खोलना पड़ेगा। हालांकि मेरे पास बैटरी है, सो हालांकि मैं बाइक में इंस्टॉल करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि बाइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हो रहा है। सो इसको पहले ओपन करें, फिर इस चीज़ को जैसे देख सकते हैं। ठीक है, बाइक में तो आप ऐसे लगाएंगे। सो इस जो होल है इसके अंदर लगा देना है। सो इसके अंदर प्रॉपर फिटिंग हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से लगा देना है। फिर जो आपका ये चीज़ है इसको अंदर डालना है। ठीक है, वो इसके अंदर से निकलेगा। और ये जो स्क्रू है, सो इसको ऐसे फंसा के इसको आपको टाइट कर देना है। सो आपको इस तरीके से टाइट कर देना है। और जो हैंडल है इस टाइप का रहता है। सो अगर इसको हैंडल मान के चले, सो आपको इस तरीके से रहेगा। सो मैं एक फोन आके लिख देता हूँ कैसा इसका परफॉर्मेंस है। और इसमें आपको, ठीक है, इसमें एक ब्लू लाइट का जलेगा अगर आपका चार्जिंग होगा तो। और इसमें एक नॉर्मल यूज़ भी सॉकेट मिल जाता है। और इसमें एक रबर जो ढक्कन है वो दिया हुआ है, क्योंकि आप डस्ट वगैरह ना जाए। सो बहुत ही क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही सही दिया हुआ है। और अगर आपका हैंडल जो पाइप है जो नैरो है, मतलब चौड़ाई में ज़्यादा नहीं है, सो उस तरीके से प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए कंपनी ने दिया हुआ है। सो दिस इज़ द रबर कोट, रबर पैड। सो आपको क्या करना है, अगर ये होल आपको बड़ा लग रहा है, सो इस तरीके से आपको ये जो चीज़ है इसको राउंड करके, ठीक है, इसके अंदर इस तरीके से फंसा देना है। फिर आप जो हैंडल हैंडल में टाइट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका हैंडल टाइट हो जाएगा। अगर उससे भी नहीं होता है, सो इसके अंदर और एक चीज़ मतलब दो कोट डाल सकते हैं। सो इसको मैं निकाल देता हूँ, और इस तरीके से आप खोल के फंसा के फिर आप टाइट कर सकते हैं। सो मैं एक फ़ोन ला के चार्ज करके दिखा देता हूँ आपको। सो अगर मैं इस फ़ोन को अटैच करूँ ऐसे, सो एज़ यू कैन सी बहुत ही छोटा फ़ोन है। सो इसको पहले इस तरीके से, ठीक है, बस अटैच कर देना है। हालांकि ये निकलेगा नहीं, देख सकते हैं। ठीक है, फिर जो जो रबर कोटेड है उसको आप इस तरीके से इसको करेंगे ऐसे। और ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और जो रबर कोटेड होने की वजह से, और इस तरीके से आपको इसके अंदर इस तरीके से फंसा देना है। और जो लास्ट चीज़ है उसको इस तरीके से फंसा देना है। सो आपका जो होल फोन है इस तरीके से दिखेगा, बहुत ही सही लुक आ रहा है। ठीक है, और इसको हिलेगा नहीं, मतलब बहुत जितने भी वाइब्रेशन हो वो आप ये रबर पैडेड सोख लेगा अगर इसमें लगाते हैं। और नेक्स्ट जो है ये फ़ोन बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। सो डाटा केबल को पहले इंसर्ट करेंगे, और जो चार्जिंग केबल है इसको हम इस पोर्ट में इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, मैंने इंस्ट कर दिया। और जो वायर है इसमें से, और जो वायर आ रहा है, सो मैंने, मेरे पास एक बैटरी है पल्सर 220 का, बिल्कुल न्यू है।
मैंने इसको मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। उसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। सो एज यू कैन सी, अगर मैं आपको दिखा दूँ, जो यूएसबी पोर्ट है इसमें ब्लू कलर का लाइट इंडिकेट करेगा जो इसमें पावर आ रहा है। और एज यू कैन सी, मैं आपको अगर पावर ऑन करके दिखाऊँ, सो देख सकते हैं जो चार्ज है वो हो रहा है। 12 वोल्ट की बैटरी से फ़ोन चार्ज हो रहा है। सो दिस इज़ द रिव्यू ऑफ ब्लैक कैट। सो मैंने इसको मैं इसको अगर आपको ख़रीदना है सो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो कि एफिलिएट लिंक है। अगर आप उस लिंक से ख़रीदते हैं सो हम हमारे चैनल को फ़ायदा होगा, मतलब मैं ग्रो कर पाऊँगा। सो बहुत ही छोटा चैनल है अभी, सब्सक्राइबर गेन करना है, ठीक है। सो अगर आपको भी वीडियो पसंद आए सो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, सी यू, बाय बाय, जय हिंद एंड सी यू इन द नेक्स्ट।